इंग्लिश स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्टडी किया था। आप सभी को टेस्ट की तैयारी भी करनी है अभी, है ना। आज हम चैप्टर 7 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन पेज नंबर 39, चैप्टर 7 कुकिंग फूड, मेंशन डेट एंड डे ऑन इट। हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कुकिंग फूड। इट मीन्स हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? फूड से, है ना। अच्छा, आप सभी के घर में फूड कुक होता है ना? कौन करता है? मम्मा करती। कहाँ करती है? किचन में, है ना। अलग अलग तरह से, कोई तो बॉइलिंग, कोई बेकिंग, स्टीमिंग, अलग अलग तरह से करती है ना। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। हम अलग अलग तरह का फूड खाते, कभी चपाती, कभी इडली, कभी दाल बाटी, अलग अलग तरह का खाते हैं ना। सम थिंग्स लाइक ककुम्बर, रेडिश एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ, है ना। कुछ चीज़ें जैसे ककुम्बर, है ना, रेडिश और कैरेट, इसको हम कच्चा खा सकते हैं। खा सकते हैं ना रेडिश, कैरेट और ककम्बर को। वाइल दोस लाइक लेडीज फिंगर, पटेटो एंड मीट नीड टू बी कुक्ड। और जो लेडी फिंगर होता है, पटेटो होता है, इनको क्या करने की ज़रूरत होती है? पकाने की। तो कुछ फूड तो ऐसा होता है जिन्हें हम कच्चा खा लेते हैं, और कुछ क्या होता है, उन्हें पकाने की, कुक करने की नीड होती है। ओके, मीट होता है, पटेटो, लेडी फिंगर, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश करना चाहिए उसे खाने से पहले, प्रॉपरली वॉश करना चाहिए खाने से पहले। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। कुकिंग क्या करती है? जर्म्स को किल करती है खाने से, है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को कुक कर रहे हैं तो वो जर्म्स जो है, अगर गैस पे रखेंगे, गैस पे गर्माहट, हीट होगी, और हीट से वो जर्म्स मर जाएंगे। ओके, अर्ली मैन यूज टू ईट फूड विदाउट कुकिंग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर। जब आग की खोज नहीं हुई थी तब जो पहले लोग कैसे खाते थे? बिना कुक किए खाना खाते थे। ओके, मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग का मेथड हम समझेंगे। वी कुक फूड इन मैनी वेज। हम अलग अलग तरह से कुकिंग करते हैं ना। बॉइलिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बॉइल करके खाते हैं, है ना। जैसे राइस, है ना, पल्सेस, इन सबको हम कैसे खाते? बॉइल करके। बॉइलिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड आइटम इन बॉइलिंग वाटर, है ना। क्या करना पड़ता है? पानी, है ना, पानी को उबालना पड़ता है, और उसी में हम क्या करते हैं? बॉइलिंग वाली प्रोसेस करते हैं, है ना, वाटर से। राइस, पल्सेस एंड कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिसको हम बॉइलिंग से पकाते हैं। बॉइलिंग मतलब पता है ना, घर पे बॉइल करते हो कोई भी चीज़, पटेटो बॉइल करने होते हैं, कभी कभी राइस, राइस को कैसे करते हैं? राइस भी बॉइलिंग की प्रोसेस से बनता है, है ना, पल्सेस बनती है। मिल्क इज़ ऑल्सो बॉइल्ड बिफोर वी ड्रिंक इट। अच्छा, ये तो सभी को पता है क्योंकि सभी मिल्क ड्रिंक करते हो ना। मिल्क ड्रिंक करने से पहले हम क्या करते हैं? मिल्क को बॉइल करते, दूध उबालते हैं ना, उसी के बाद ड्रिंक करते। बेकिंग, बेकिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड आइटम विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट। बेकिंग मीन्स होता है किसी भी फूड आइटम को बिना लिक्विड और फैट के कुक करना, बिना लिक्विड को मिक्स किए, है ना। ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। ब्रेड, बिस्किट और केक किससे बनते हैं? बेकिंग की प्रोसेस से बनते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनते हैं बच्चों? ये देखो, बेक कर रहा है ना, बेकिंग की प्रोसेस से बनते हैं। उसमें आपको लिक्विड नहीं दिखेगा, है ना, लिक्विड दिखता है क्या? एंड ओवन इज यूज टू बेक थिंग्स। और बेक करने के लिए हमें कौन सी थिंग चाहिए होती है? ओवन चाहिए होता है। स्टीमिंग, स्टीमिंग मतलब पता है आपको? अच्छा, खमन ढोकला सभी ने खाया है ना, उसको कैसे बनाया जाता है? उसको न तो पानी के अंदर डाला जाता है, है ना, नहीं बेक किया जाता है। कैसे बनाया जाता है? उसको भाप देकर, स्टीमिंग देकर, उसके नीचे थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक जो प्लेट वगैरह जो भी होती है ना आपका सांचा खमर का, उसमें उसे रख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो पानी जो उबलता है उसकी गर्माहट से, उसकी हीटिंग से वो खमन ढोकला पक जाता है। ये होता है स्टीमिंग, यानी कि भाप दे के पकाना। मीन्स टू कुक विद द हेल्प ऑफ स्टीम, स्टीम की हेल्प से पकाना। सम फूड आइटम्स लाइक ढोकला, इडली एंड मोमोस आर ऑफन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। इन्हें किस तरह से पकाया जाता है? स्टीम देखकर, है ना। यूजुअली स्टीमिंग इज डन इन अ स्टीमर और अ प्रेशर कुकर। यूजुअली जो है स्टीम हम किस में कर सकते हैं? या तो स्टीमर में या एक प्रेशर कुकर में भी दे सकते हैं। ओके, रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स टू कुक फूड ओवर डायरेक्ट हीट। रोस्टिंग का मतलब होता है खाने को पकाना डायरेक्ट हीट से इन एन ओवन। किस में? ओवन में। ये देखो, रोस्टिंग। पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफन रोस्टेड। रोस्टेड पापड़ खाया आपने? पापड़ क्या होते? रोस्टेड होते। पॉपकॉर्न भी रोस्टेड होते हैं, है ना।
डायरेक्ट मतलब उसको गैस पे रखते थे, जैसे हम कोई पॉपकॉर्न पापड़ वगैरह है ना, इसको कहते हैं। चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो बी रोस्टेड, चिकन और फिश को भी रोस्ट कर सकते हैं। ओके मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट, है ना, जैसे मीट और कुछ वेजिटेबल्स होती है उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट हीट से उसे पकाते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग, उसे हम ग्रिलिंग कहते हैं। इट इज़ कैन बी डन ऑन ग्रिलर ऑन और तंदूर, है ना, या तो उसको तंदूर पे कर सकते हैं ग्रिलर पे, है ना, जो डायरेक्ट हमें हीट देते हैं ना उसको। फ्राइंग, फ्राइंग तो आप सभी को पता है, बहुत सारी चीज़ें हम फ्राई करके खाते हैं, पूरी खाते हैं ना, पूरी क्या होता है फ्राइंग प्रोसेस से होता है। फ्राइंग मीन्स टू कुक इन हॉट ऑयल, गर्म गर्म तेल में जो हम कुक करते हैं ना, पूरी को तलते हैं ना वो। पूरीज एंड पकौड़ा, पकौड़ा भी होते हैं, आर कुक्ड बाई फ्राइंग। वी शुड अवॉइड डीप फ्राइड फूड्स लाइक पूरीज एंड पकौड़ाज एज दे आर रिच इन फैट्स एंड कैस कॉज ओबेसिटी, है ना। हमें क्या नहीं करना चाहिए कि जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पूरी पकौड़ा डीप फ्राइड होता है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, ये ओबेसिटी का एक रीज़न होता है जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं, फैट हमारा बढ़ सकता है। ओके तो ये हमने आज पढ़ा है कुकिंग के जो मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा है बॉइलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड फ्राइंग। तो आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, और आप सभी के घर में ये सब किया जाता है तो ये तो जल्दी से आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना है, इस चैप्टर को समझना है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, रिमेनिंग जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।